हेलो फ्रेंड्स, आज हम बचे हुए कपड़े का रीयूज़ करेंगे। इस तरह से हम पीस को कट कर लेंगे। यहाँ से मैंने लिया है 16 इंच और चौड़ाई ली है 14 इंच। इस तरह से हमने दो पीस कट करने हैं। अब हम इसी साइज़ की गेहूं की बोरी को भी कट कर लेंगे और नीचे अस्तर को भी कट कर लेंगे। दोनों हमने दो पीस ही कट करने हैं, गेहूं की बोरी के भी और अस्तर के भी। और इस पर हमने बॉक्सेस बना लेंगे, क्विल्टेड बना लेंगे। दोनों पीस हम तैयार कर लेंगे। आप गेहूं की बोरी की जगह पर इसमें फोम या रबर शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक पीस लेंगे, इस तरह से इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम नीचे की तरफ 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ 3 इंच पर निशान लगाने के बाद अब हम चौड़ाई की तरफ 2 इंच पर निशान लगाएंगे और एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। और जो ये हमारी लाइन है, इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा कट हो जाएगा। और जो दूसरा पीस है, उसे भी इसी तरह से फोल्ड करके ऊपर से 3 इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर से, और साइड से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इसे भी यहीं से कट कर लेंगे। दोनों पीस को हमने ऐसे ही कट कर लेना है। अब हम दो पीस और लेंगे कपड़े के। ये हम यहाँ से लेंगे 14 इंच और यहाँ से 5.5 इंच। एक पीस ले लेंगे अब हम, और इसे हमने इस तरह से, देखिए जो हमने पीस तैयार किया था उसकी सीधी तरफ रखना है ऐसे, और फिर इसे पलटकर यहाँ पर हमने जो कट लगाया था उसके साइड में सिलाई लगानी है। ये मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए, इतना इतना हमने सिलाई में देना है और चारों तरफ से उसी कट के साइड में सिलाई लगा लेंगे। ये हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसे बीच में से कट करेंगे। तो पहले इसे फोल्ड कर लेंगे और जो हमने कपड़ा लगाया है उसे थोड़ा सा कट कर लेंगे, और फिर इसे सीधा करके यहाँ से, ये देखिए, यहाँ तक कट कर लेंगे। साइड में जो कॉर्नर है वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे, लेकिन सिलाई हमने कट नहीं करनी है। अब दूसरी तरफ से हमारा रह गया है, वहाँ से भी इसी तरह से कट कर लेंगे और दोनों कॉर्नर को भी कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब हम कपड़े को उल्टी साइड फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल कपड़े को पीछे की तरफ सीधा कर लेंगे। और अब हम इसके जो हमारा कट है उसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे अच्छे से, जो हमने कपड़ा लगाया है उसे अंदर की तरफ साइड फोल्ड करते हुए। अच्छे से नीचे से कपड़े को बिल्कुल सीधा करना है और फिर सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है और यहाँ से ये हमारा हैंडल बनकर तैयार होगा। अब नीचे से हम कपड़े को थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम तीनों साइड से ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे, लेकिन हमने अब तीनों तरफ से फोल्ड नहीं करना है, ऐसे ही हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा स्टिच हो गया और ये हमारा यहाँ से पकड़ने के लिए हैंडल बन गया है। अब जो दूसरा पीस हमने कट किया है ऐसे ही, उसे भी इसी तरह से दूसरा कपड़ा लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। दोनों हमारे हैंडल बनकर तैयार हैं। अब हम एक और पीस लेंगे जो हमने पहले से क्विल्ट किया हुआ है। आप भी इसी तरह से गेहूं की बोरी और अस्तर लगाकर क्विल्ट कर लीजिए। इसकी यहाँ से है 5.5 इंच और लंबाई है इसकी यहाँ से 42 इंच। मैंने ये उसके साथ मैचिंग ब्लैक लिया है। आपके पास अगर पूरा वही वाला ही कपड़ा है प्रिंटेड, तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब हम दो पीस इस तरह से लेंगे। ये हम लेंगे 2 बाय 5.5 इंच के, और इसे हमने इस तरह से, जो ये पीस है इस पर ये उल्टी साइड पहले रखकर स्टिच करना है, फिर इसे सीधी साइड डबल फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेंगे।
ये हमारा पाइपिंग की तरह बनेगा। ये देखिए ऐसे। और जो दूसरी स्ट्रिप है उसे भी दूसरी साइड इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ मैंने ये लगा ली है। अब हम इसे जो हमारे पीस हैं उसे बीच में से फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगाएंगे। और जो हमने ये क्विल्टेड पीस एक और तैयार किया है इसे भी हम बीच में से फोल्ड करके सेंटर में दोनों तरफ निशान लगाएंगे। उसमें हमने एक तरफ लगाना है नीचे की तरफ और इसमें दोनों तरफ लगाना है। अब हम इसे सीधा रखेंगे। सीधी साइड हमारी नीचे की साइड होनी चाहिए और उल्टी साइड ऊपर की साइड। और जो ये दूसरा पीस है उसकी सीधी साइड हमारी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से इसे रखते हुए यहाँ से ऐसे पहले सेंटर से सेंटर मिलाकर रखकर इसे स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से घुमाते हुए पूरे को स्टिच कर लेंगे। ये यहाँ तक हमारा आया है और स्टिच हो गया है। अब दूसरी साइड है जो हमारी, वहाँ से भी इसे स्टिच करेंगे। वहाँ से भी इसे पहले नीचे से स्टिच करेंगे फिर घुमाकर ऊपर तक पूरा स्टिच कर लेंगे। ये दोनों तरफ से हमारा देखिए इस तरह से पूरा स्टिच हो जाएगा। अब जो दूसरा पीस है वो लेंगे और उसे भी हम बीच में से फोल्ड करके नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे। और अब हम सेंटर से सेंटर फिर से जो दूसरा सेंटर है हमारा वो मिलाकर रख लेंगे और वहीं से ही इसे स्टिच करना शुरू करेंगे। यहाँ तक स्टिच करके अब पूरा इसे घुमाते हुए पूरा स्टिच कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से ही इसे स्टिच कर लेंगे। ये हमारा स्टिच हो गया है इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। अब जो ये हमारी साइड से ये दिख रहे हैं यहाँ हमने पाइपिंग लगानी है। तो एक हम इस तरह से लंबी पूरी स्ट्रिप कट कर लेंगे। इसकी हम चौड़ाई ले लेंगे यहाँ से 2.5 इंच। इस तरह से ये देखिए आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं इसे लगाना। इस तरह से स्ट्रिप को आगे से फोल्ड करेंगे और इस पर रखकर उल्टी साइड रखना है हमने इसे और यहाँ से इसे स्टिच करेंगे। फिर इसे घुमाकर यहाँ से भी स्टिच कर लेंगे। स्ट्रिप को घुमाते जाएंगे साथ साथ और स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए यहाँ तक हमारी पूरी स्टिच हो चुकी है। अब हम इसे फिर से घुमा लेंगे और यहाँ से भी स्टिच कर लेंगे। इसे हमने चारों तरफ लगाना है, कहीं से भी शुरू करके और वहीं पर आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। फिर से घुमा लेंगे और जो जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक आ गया हमारा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे इसे और इसके ऊपर ही हम इसे रखकर स्टिच कर देंगे। ये देखिए अब हम इसे स्ट्रिप को इस तरह से सीधा कर लेंगे क्योंकि हमने इसे सीधी तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इसे डबल फोल्ड करेंगे इसके ऊपर ही रखते हुए और इसे स्टिच कर लेंगे। ये हमारी पाइपिंग बन जाएगी। चारों तरफ इसी तरह से डबल फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए ऐसे हमारी पाइपिंग बनेगी। सभी तरफ लगा लेंगे इसे। ये मैंने चारों तरफ इसे फोल्ड कर लिया है। ये देखिए अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से ही कहीं से भी शुरू करके पाइपिंग लगा लेंगे। दोनों तरफ हमने ये देखिए इस तरह से पाइपिंग को बना लिया है और ये हमारा थैला बनकर तैयार है। आप शॉपिंग बैग कह सकते हैं इसे, आप कहीं भी इसे लेकर जा सकते हैं। आपने सब्जी लेनी है चाहे कहीं भी। और साइड में हमारी इस तरह से पाइपिंग है। यहाँ से ये हमारे दो हैंडल हो गए हैं ये देखिए पकड़ने के लिए। और अंदर से देखिए स्पेस कितना है और कितना मजबूत है ये घर का बना हुआ। इसकी विड्थ देखिए कितनी है यहाँ से।
मार्केट से आप लेते हैं वो जल्दी फट जाते हैं, घर पर आप इसे बना सकते हैं आसानी से।